वेलफेयर, जिसको हम लोग प्रेटो ऑप्टिमिलिटी भी कहते हैं। तो देखो, किसी भी इस ये तीन कंडीशन इस को फुलफिल्ड होना चाहिए। इसी को मार्जिनल कंडीशन और प्रेटो ऑप्टिमिलिटी भी कहते हैं। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन में ही ऑब्जर्व होगा। द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर में, अगर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर या प्रेटो ऑप्टिमिलिटी को अचीव करना है, तो इट इज ए नेसेसरी टू फुलफिल्ड थ्री नेसेसरी कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड टू अचीव द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर या प्रेटो ऑप्टिमिलिटी। ठीक है, तो तीन ठो कंडीशन होना चाहिए। वो कौन तीन कंडीशन है, मैंने यहाँ लिख लिया हूँ। इसको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये क्या है? तो पहला क्या होता है, तीन कंडीशन, मैं तीनों कंडीशन को पहले डील करता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में इसका डिस्कशन करूंगा। इफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमोडिटी प्रोड्यूस बिटवीन टू कंज्यूमर, यानी दो कंज्यूमर के बीच में जो भी कॉमोडिटी जो प्रोड्यूस होता है, उसका इफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन, इसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंजप्शन, या इसको हम कंजप्शन इफिशियंसी भी कहते हैं। ठीक है, कंजप्शन कंजप्शन इफिशियंसी या इक्विलिब्रियम ऑफ, आप कह सकते हैं कंजप्शन। जो भी कॉमोडिटी जो प्रोड्यूस होता है, दो ही उसमें टू टू बाई टू का मॉडल है, तो दो ही इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर है, तो दोनों के बीच में इफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है व्हाट एवर द प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, किसको कंजप्शन इफिशियंसी कहते हैं। दूसरा है इफिशियंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एमंग द फॉर्म, जो हम यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी के लिए लेबर और कैपिटल को कंसिडर करते हैं अंडर द। ठीक है, तो यहां पर वो दोनों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल, को इफिशियंट लोकेशन होना चाहिए फॉर्म के बीच में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन, या इसको हम प्रोडक्शन प्रोडक्शन इफिशियंसी भी कहेंगे, इफिशियंसी। और तीसरा है सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी दोनों को मिला दिया जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स इफिशियंसी, प्रोडक्ट मिक्स इफिशियंसी। अब मैं आ जाता हूं कम टू बैक कि अब इफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमोडिटी प्रोड्यूस बिटवीन टू कंज्यूमर में, जिसको कंजप्शन इफिशियंसी या इक्विलिब्रियम ऑफ कंजप्शन में होता क्या है। यहां पर जो पहला कंडीशन होगा वो क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई। दो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है एक्स एंड वाई, फॉर इंडिविजुअल ए इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन दीज टू गुड्स एक्स एंड वाई फॉर इंडिविजुअल बी। ये कंडीशन मस्ट बी फुलफिल इन ऑर्डर टू अचीव कंजप्शन इफिशियंसी या इफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमोडिटी प्रोड्यूस बिटवीन टू कंज्यूमर। दोनों कंज्यूमर के बीच में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो दो गुड्स का है एक्स एंड वाई का, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर जो प्रेटो जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, इट इज ए इम्पॉसिबल टू मेक समवन बेटर वन विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। एक को जब तक हम अच्छा, मतलब एक की वेलफेयर में, ठीक है, तब तक हम वृद्धि नहीं करते जब तक दूसरा को कमी नहीं कर सकते, यानी परफेक्ट है। अगर जहां हम एक के बढ़ाने का प्रयास करेंगे दूसरा पे कमी होगा। तो यहां भी दो जो इंडिविजुअल के बीच में इकोनॉमी में है, दोनों के बीच में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एट द रेट एट विच वन गुड्स इज सब्स्टिट्यूटेड, एक गुड को सब्स्टिट्यूट किया जाता है दूसरे गुड से, तो ये दोनों के बीच में इक्वालिटी होना चाहिए। इसी को कंजप्शन इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, आप इसमें आप दूसरा भाषा से समझ सकते हो कि ये इम्पॉसिबल होगा, ठीक है, कंजप्शन ऑफ वन गुड्स को बढ़ाया जाए किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ये तब तक संभव नहीं है जब तक किसी दू मैंने दूसरा दूसरा गुड्स के कंजप्शन में कमी किए बिना। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो है कंजप्शन इफिशियंसी। इसमें कोई दिक्कत किसी को?
ठीक है। दूसरा होता है ये हमारा इफिशियंट लोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एमंग द फॉर्म, तो यहां पर होगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जब फैक्टर के बीच में प्रोडक्शन में इसी चीज को यूज करते हैं तो MRTS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, LK या KL बिटवीन टू फैक्टर इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन LK, ठीक है, और एक्स फॉर गुड्स एक्स एंड वाई। अब ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर एल एंड के फॉर गुड्स एक्स मस्ट बी इक्वल मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर एल एंड के फॉर गुड्स वाई, ये कंडीशन होना चाहिए। अब इसका कहने का सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो किसी एक कॉमोडिटी का प्रोडक्शन यानी से एक्स का तब तक नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक कॉमोडिटी वाई के प्रोडक्शन में कमी नहीं करेंगे। और ये कैसे होगा, जस्ट अलोकेशन ऑफ या री अलोकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेस एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी एक्स एंड वाई। गॉट इट? और बी यहाँ पर आप बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, ए और बी क्या है? ए और बी इंडिविजुअल ए और बी है, दो आदमी है, दो आदमी, हाँ, एक्स एंड वाई दो कॉमोडिटी है, ठीक है, यहाँ पर एक्स एंड वाई दो कॉमोडिटी, हाँ, दो कॉमोडिटी एल के दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये देखिए 2×2π का मॉडल है, ठीक है, देखो 2×2 माने 3×2 व्यक्ति 2% 2 कॉमोडिटी 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 2% AB 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन LK और 2 कॉमोडिटी XY। अब ये क्या है, एक साथ सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, इसी को जनरल इक्विलिब्रियम पार्शियल, जब तक हमने जितना हम लोग मोनोपोली वगैरह पढ़े थे वो तो क्या था, पार्शियल इक्विलिब्रियम था। एक साथ प्रोडक्शन और कंजप्शन इक्विलिब्रियम को देखेंगे तो इसी को जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। तो यहाँ सिमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन प्रोडक्ट मिक्स इफिशियंसी इसको कहते हैं, माने ये दोनों कंडीशन का फुलफिल होते हुए यहाँ पर जो तीसरा जो कंडीशन है, जो प्रेटो ऑप्टिमिलिटी या मार्जिनल कंडीशन ऑफ प्रोटो ऑप्टिमिलिटी का तीसरा कंडीशन जिसमें होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, प्लीज म्यूट, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ PPC यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहाँ हम इन लोग को एथी में भी दिखा सकते हैं, इसको करने दो क्लियर। अरे कौन है भाई, कर बस पूरा वीडियो खराब कर देता है, हमको यही गुस्सा लगता है, बार बार बोल रहे हैं ऑफ करो तो म्यूट करो, कभी हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। ए भाई रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो, हम इतना जुल्म नहीं सहेंगे, बोल रहे हैं म्यूट करो, यहां यूट्यूब में देना था, सब खराब कर दिया तुम, रोज एक प्रॉब्लम होता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्या जरूरी है, जब उसको भाग नहीं था तो सब खराब कर दिया, फिर से हमको मेहनत करना पड़ता है, हम क्या बोले, ये लोग समझ भी नहीं करता, डबल मेहनत करना पड़ता है, ठंडा के दिन में रात में खड़ा रहो, फिर सुबह हम नोट्स लो, एक आध वो क्लास सस्पेंड होगा तभी तुम लोग समझोगे। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर इंडिविजुअल ए फॉर गुड्स बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई फॉर इंडिविजुअल बी, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो यहां पर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो स्लोप ऑफ पीपीसी, स्लोप ऑफ पीपीसी, ठीक है, पीपीसी, ठीक है,
ये स्लोप ऑफ पीपीसी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई, जो बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई फॉर इंडिविजुअल। ये स्लोप ऑफ आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व, और दो इंडिफरेंस कर्व है आईसी ए यानी इंडिविजुअल ए का, और दूसरा स्लोप ऑफ आईसी बी यानी ये इंडिविजुअल बी का। अब यहां पर भी तो इसका कोई चीज का स्लोप बता रहा है एमआरटीएस बिटवीन एल के फॉर कॉमोडिटी एक्स एंड वाई का, ये भी बता रहा है। तो यहां पर स्लोप ऑफ आइसो क्वाइंट, स्लोप ऑफ आइसो क्वाइंट, ठीक है, स्लोप ऑफ आइसो क्वाइंट, स्लोप ऑफ आइसो क्वाइंट, आइसो क्वाइंट, ठीक है, वो इक्वल टू होगा द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन। ये सब पढ़ाए हैं लेकिन सब अभी खत्म हो गया होगा। और यहां पर होगा क्या, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आईसी, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ, बोलो, बड़ी पढ़ाए हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जी सर, इंडिफरेंस कर्व ऑफ इंडिविजुअल बी। वो नहीं होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, सब भूल गया है। ये तीनों हम स्लोप से भी दिखा दिए, कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये इवन यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। इसी को हम थ्री मार्जिनल कंडीशन ऑफ, ठीक है, हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेटो ऑप्टिमिलिटी इसका नाम है, या फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर।